हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ अच्छा सा। देखिए, हमारे पास अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और सीबीएसई ने जो है ये आपकी डेट शीट जो है वो इशू कर दी है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ जो प्रॉपर आपके पेपर्स हैं, 12th वाले एग्ज़ाम्स 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फिज़िकल एजुकेशन से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, मेन पेपर्स, और जो आपका 10th का है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें यही आपसे कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि हम जो हैं अगर अपना एक प्रॉपर सा शेड्यूल बना लें तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप अपना 15 से 20% मार्क्स जो हैं परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। लेकिन उसके लिए बस एक प्रॉपर शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो बच्चे 10th में हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए बेटे कि ये आपका फर्स्ट एकेडमिक रिकॉर्ड होगा। अब तक आपने 9th क्लास तक क्या किया, आप अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी या बुरी परफॉर्मेंस दी, आप टॉपर रहे या फेलियर रहे, बेंच पे बैक बेंचर्स रहे, फ्रंट सीटर रहे, जो भी आप रहे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपने 10th में अपना स्कोर अच्छा किया तो हमेशा जो भी आपका एकेडमिक प्रोफाइल मांगा जाएगा उसमें 10th से ही आपका स्टार्ट होगा। तो जितना आप अपना आपको अपडेट कर सकते हैं, जितना अपना आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, उतनी कोशिश करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि मेरा जहन बहुत कमज़ोर है, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं ज़्यादा याद नहीं कर पाता हूँ, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। देखिए, अल्लाह ने जो बनाया है, जो ऊपर वाले ने, मालिक ने आपको बनाया, वो बेस्ट बनाया। आपके जैसा ऊपर वाले ने पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाया। तो यू आर द यूनिक, यू आर द ओनली पर्सन, आपके जैसा कोई नहीं है। और अल्लाह ने हम सबको जहन बहुत अच्छा सा दिया है। उस जहन का मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह से देता हूँ कि जो बच्चे कहते हैं मुझे याद नहीं होता, मेरे याद नहीं रहता, ये हमारे अपने अपने सिर्फ इंटरेस्ट की और हमारे कंसंट्रेशन की सिर्फ जिसे कहना चाहिए लेवल पे बात होती है कि हम किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं आपको सीधा से एग्ज़ाम्पल दूँ कि जितने भी बच्चे, मोस्ट ऑफ द हम सारे मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने छोटी सी उम्र से लेकर अब तक जितनी भी मूवीज़ देखी हैं वो सब याद हैं। कोई भी एक मूवी आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आपके उसके सीन, आपके उसके डायलॉग्स, उसके एक्शंस, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। अगर कभी कोई, मान लीजिए कोई फिल्म आपको याद भी नहीं है, आप उसका नाम लीजिए, वो आपका सारा, तो फिर वो कैसे आप याद रख पा रहे हो जब आप ये कहते हो कि मुझे जहन अच्छा नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा सोच है कि हमारा जहन अच्छा है, तो जहन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खैर, मैं ज़्यादा ना कह के मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो हमारे पास डेट शीट है, अगर हम इस पर थोड़ा सा भी अपना इसके एज़ पर इसके अकॉर्डिंग अगर अपना शेड्यूल बना लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है 15 से 20% अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप, एक तो यह है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, तो अच्छा है जितना भी अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को आप बहुत अच्छी तरीके से फुल सिंसियरिटी के साथ आप अटैम्प्ट करें, तो आपकी वहाँ से आपकी इम्प्रूव हो जाएगा परसेंटेज। और दूसरा, अगर आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या उसके साथ साथ आप मेरे हिसाब से करना चाहें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्लीज़ इधर देखिए, जैसा मैं अगर आपसे बात करूँ कि भाई हमारे जो 10th के एग्ज़ाम, अगर मैं 10th की बात करूँ, उसी तरह से आप 12th वाले बच्चे भी उसको कर सकते हैं, तो 10th का एग्ज़ाम हमारा 26th जो फरवरी है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आपका जो है लास्ट एग्ज़ाम जो है वो 18 मार्च को एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसकी सीक्वेंस की बात करूँ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, अच्छी बात ये भी है इस बार CBSE में कि 4th आपके मार्च को साइंस का हो रहा है और आपका 12th को मैथ्स हो रहा है, तो पूरे आपके पास जो है यहाँ पे 8 डेज़ आपको कम्प्लीट यहाँ मिल रहे हैं, तो मैथ्स का एक अच्छा खासा रिविज़न, अच्छा खासा आप तैयारी यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, हिंदी में भी आपके पास अच्छे खासे, हिंदी से लेकर और साइंस में भी आपके पास टाइमिंग है, यहाँ पे हमारे पास है। इंग्लिश हमारे पास 26 को है, यहाँ हमारे पास 2 टाइम है, ये भी हमारे पास एक अच्छा स्पेस है आपका 12 तारीख से लेके और 18 तारीख तक, तो 2 पेपर्स तो बहुत ही अच्छे आपको मिल रहे हैं। तो खैर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 26 फरवरी को आपका पहला पेपर हिंदी का, और फिर जो आपका पेपर है, ठीक है सर, इंग्लिश का है, और फिर जो आपका पेपर है वो 29th को है, इंग्लिश का पेपर है और फिर 29th को जो है वो आपका जो है पेपर वो आपका हिंदी का है, देन आपका साइंस है, देन आपका मैथ्स है, और देन आपका SST,
ये हमारा सीक्वेंस है पेपर का, तो 26 फेब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें तो एक अच्छा सा आपका रिजल्ट इंक्रीज़ हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर आपका पेपर 26 फेब को इंग्लिश का है तो उससे कुछ 4-5-6 दिन पहले आप इस पेपर की तैयारी के लिए अपना टाइम निकाल लीजिएगा। चॉइस आपकी है कि आपको इंग्लिश को रिवाइज़ करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कितना टाइम चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ 6 डेज आप मान के चलिए, ठीक है, 21st ऑनवर्ड्स। तो 20th फेब तक आपके पास टाइम है कि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर चुके। आज की जो डेट है वो 24th दिसंबर है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 24 दिसंबर से और 20th फेब का एक शेड्यूल आप बना सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इधर देखिए, आपकी चॉइस है। एक तो ये है कि आप अब से लेके और 20th फेब, मैंने आपसे क्या कहा 24th दिसंबर से 20th फेब, ठीक है सर, 2020 कितना अच्छा ईयर है आपका, ये एक अच्छी सी फिगर आपको मिल रही है, इसमें एक अच्छा सा स्कोर आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो 20th फेब 2020 तक का आप शेड्यूल अपना बना सकते हैं। आप चाहें तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको अपने सारे पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके जो मेन पेपर्स हैं 5 इनकी या इससे ज़्यादा अगर किसी उसमें पेपर्स हैं तो उनके उस एडिशनल भी आप कर सकते हैं। तो या तो आप एक बार कर लीजिए या दो बार कर लीजिए। जैसा मैं आपसे कहूँ, अगर आपके पास 5 पेपर्स हैं एवरेज मान लीजिए, तो अगर हम एवरेज मान लें और हम ये मान लें कि 5 डेज अगर हम देखें तो हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, 24 से लेके हमारे पास 35, 31, तो 8 डेज हमारे पास ये हैं, और फिर हमारे पास जनवरी के 31 हैं, और फिर हमारे पास 20th फेब का ही हमारे पास, तो 59 के करीब हमारे पास टोटल डेज बच रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 5 पेपर्स को 5 से भी करें, ठीक है, अगर हम इसको मान लें, चलो 60 मान लेते हैं, 6 से भी करें तो 30 डेज हमारे पास बचते हैं, तो 60 डेज हमारे पास हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 2 टाइम्स अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं या 1 टाइम। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, आपके पास 5 पेपर्स हैं, आप अपने पेपर्स को 6-6 दिन दीजिए, 6 डेज एक पेपर को, ठीक है, मतलब हिंदी को भी 6 डेज, इंग्लिश को भी 6 डेज, मैथ्स को भी 6 डेज, आपके SST को भी 6 डेज और साइंस को भी 6 डेज। तो आपके पास 30 डेज में आपके पास शेड्यूल बन जाएगा। आप 30 डेज में अपने आप को तैयार करिए। आपके स्कूल चल रहे हैं उसके साथ साथ, कोचिंग चल रही है उसके साथ साथ, जो आपका डेली शेड्यूल है उसके साथ साथ, लेकिन आप अपने पेपर्स को प्रिपेयर करिए एज़ पर जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में सीरियसली करेंगे उसी सिंसियरिटी के साथ। तो जैसा मान लीजिए अब हम आज की बात करें कि आपने 24, 25, 26, 27, 28 और 29 ये आपके पास हो गए, ठीक है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 डेज में आपको एक पेपर तैयार करना है विद योर स्कूल एक्टिविटीज़। वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, या आप कोचिंग जा रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक पेपर तैयार करना है। मान लीजिए आपको हिंदी का पेपर तैयार करना है, तो आप क्या करिए, आप हिंदी का पेपर तैयार करिए इन डेट्स में, और 29th की शाम को या रात को हिंदी का पेपर आप खुद से दीजिए। अगर आपके पास कोई जानने वाले हैं टीचर, स्कूल के, कोचिंग के, कोई और कोई अच्छा स्टूडेंट जिसकी हिंदी अच्छी हो, तो आप उनसे कह दीजिए कि मुझे पेपर दीजिए, या फिर आप सैम्पल पेपर से या फिर नेट से आप एक पेपर डाउनलोड करके वो पेपर आप अटेम्प्ट करिए, और फिर चेक करिए कि आपने उस पेपर में कितना, बहुत ही फेयर लीजिए कि 3 घंटे का टाइम लेके उसे आप अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कि आप कितने उससे सेटिस्फाई होते हैं। अगर उसे आप किसी से चेक करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट, फिर आपके पास 30 हो गया, 31 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेरे पास 5th, ये मेरे पास 6 डेज फिर हो गए इसमें 4th तक, फिर आप एक पेपर कर लीजिए, मान लीजिए इंग्लिश कर लीजिए आप, ये बस, फिर इंग्लिश को भी इसी तरह से करिए। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, तो हर 6 डेज पे आपको एक पेपर खुद से देना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैं हिंदी तो 4 डेज में कर सकता हूँ, तो फिर आप ये 2 दिन जो हैं ये एक्स्ट्रा हो गए, तो हो सकता है आप इंग्लिश में यूज़ कर लें इसको कि नहीं मैं सर 6 डेज में मेरा इंग्लिश नहीं होगा, 8 डेज में होगा। तो एवरेज मैंने आपसे कहा है कि एवरेज आप 6 डेज एक पेपर को दे सकते हैं। आपने इंग्लिश का प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट डे फिर आप इंग्लिश का टेस्ट दे दीजिए। ध्यान ये रखना है, अगर आपने खुद सेट किया है अपना टाइम टेबल कि नहीं सर मुझे 6 डेज में करना है हिंदी या 4 डेज में करना है, तो 4 डेज में ही आपको कंप्लीट हिंदी रिवाइज करना है, स्टडी करना है, आपको नेक्स्ट 5th डे नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को छूट दे दी तो फिर आप ये करोगे नहीं 5 दिन ही 6 दिन हो जाएं, 6 दिन नहीं 10 दिन हो जाएं, फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को एक बाउंड करना पड़ेगा कि इतने टाइम में मुझे पेपर तैयार करना है।
इसी तरह से मान लीजिए आपके पास यहाँ से 2 दिन मिल गए, हो सकता है कि आपको जो साइंस है या मैथ्स है उसके लिए ज़्यादा दिन चाहिए हो, तो आप यहाँ से दिन कम कर सकते हैं कि नहीं सर 4-4 डेज में मेरा काम चल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ जो 2-2 दिन मिल रहे हैं मैं मैथ्स को 10 डेज दूंगा, ठीक है सर। इस तरह से मैं साइंस को या यहाँ पे मैं 8 डेज दूंगा और 8 डेज मैं साइंस को दूंगा। तो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह से अपना शेड्यूल, मैं 8 डेज जो है वो मैं SST को दूंगा, लेकिन आपका जो टोटल शेड्यूल है वो एज़ पर 30 डेज में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, हमने जैसा अभी आपसे कहा कि हमने 60 डेज लिए हैं, तो 30 डेज में हमारा ये रिविज़न हो जाएगा, फिर हमारे पास जो 30 डेज बचेगा फिर हम उसमें करेंगे। उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं इसलिए एक चीज़ आपको और समझा दूँ कि जो मेरा पेपर है फर्स्ट वाला जो पेपर है, ठीक है सर, जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो इंग्लिश का है। अगर हम चेक करें तो अगर इंग्लिश का हमारा पेपर है और दूसरा हिंदी का है, जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो इंग्लिश का है और दूसरा जो पेपर है वो हिंदी का है, ये मेरे पास, तो मैं आपसे क्या कहता हूँ कि जैसा हमने आपसे कहा था कि 20th मार्च को आपने आपको फ्री कर लेंगे इंग्लिश को रिवाइज करने के लिए। तो इससे पहले जो आपके पास टाइम है, अगर आप इससे पहला बना रहे हो तो इससे पहले आप हिंदी रिवाइज करिए, मतलब लास्ट में जब आप करेंगे, लास्ट के आप 4 डेज देना चाह रहे हैं 5 डेज देना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपने 15th फेब से पढ़ना शुरू किया, तो 15th फेब से जो आप पढ़िए वो इसको पढ़िए हिंदी को, तो 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है 20 को तो फिर आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। 4 डेज चाहिए, 5 डेज चाहिए एज़ पर यू, तो यहाँ पे आप हिंदी पढ़िए। उसके ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि अगर आपने इंग्लिश से पहले ही हिंदी पढ़ा होगा और इंग्लिश के पेपर के बाद फिर हिंदी होगा तो आपको रिकॉल करना आसान रहेगा। अगर आप 1 महीने पहले हिंदी पढ़े होंगे तो वो शायद रिकॉल ना कर पाएँ आप, तो ये थोड़ा सा ईजी होगा। इससे पहले आप इंग्लिश को रखिए क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है। तो फिर यहाँ पे अगर आपने जैसा 15 से लिया है तो मे बी पॉसिबल कि भाई जो हमारे पास है 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, फेब, तो ये आप इंग्लिश को दे सकते हैं। तो एक तो ये शेड्यूल जो पहला वाला आपने पार्ट किया जो अभी से आप करना चाह रहे हैं वो आप कभी भी कहीं भी पेपर रख सकते हैं, लेकिन एंड के लिए ध्यान रखिएगा जो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड है वो आपके सेकेंड लास्ट और लास्ट पेपर आपका होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो जब आप इसको करेंगे तो जैसे यहाँ आप इंग्लिश कर रहे हैं तो वो यहाँ करने में आपको इजी रहेगा, आपने हिंदी अभी रिवाइज़ किया था तो पेपर के जस्ट बाद हिंदी है तो वो आपको रिकॉल करने में। एक तो चीज़ ये है कि अपना शेड्यूल बना लीजिए, आप 4 डेज दें 5 डेज दें, यहाँ पे आप SST को ले सकते हैं, यहाँ पे आप मैथ्स को ले सकते हैं, यहाँ पे आप साइंस को ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि जितने दिन आप पहले अपने तय कर लें उतने ही दिन में आपका कोर्स जो है, आपका जो पेपर है वो तैयार हो जाना चाहिए। मे बी पॉसिबल कि आपके 2 चैप्टर रह जाएं, 1 चैप्टर रह जाए तो ठीक है, उस चैप्टर को वहीं छोड़ दीजिए, उसका टेस्ट दीजिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। एक तो चीज़ मैं आपसे ये कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा बेटा जी कि जब आप पूरा अपना 5 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो एक तो जो हम ये करते हैं कि भाई माशाल्लाह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बस सिर्फ पेपर के टाइम में ही पढ़ते हैं, या कुछ बच्चे हिंदी पेपर के टाइम में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो 70-80% स्कोर करते हैं, तो आप खुद सोचिए अगर आपने उसको 2 बार रिवाइज़ कर लिया होगा तो आपकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ओवरऑल इनके जो परसेंटेज है वो सारे सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 जो आप मैथ्स या साइंस या SST पढ़ रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करती है, तो एक परसेंटेज। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको ये पता चल जाएगा बेटा जी कि आपके कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपको इजी लग रहे हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका, ठीक है। उन चैप्टर्स में भी कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस रिवीजन की, जब मैं अपने आप करता था तो मुझे ये अच्छी लगती थी कि मैं पहले ही अच्छा। दूसरी बात ये, जब आप ये पढ़ें तो इसको एक तरह से फेयर नोट्स की तरह से, क्योंकि आप पहले उसे रिकॉल करें पढ़ें और फिर जो भी आप पढ़ें उसको लिख ज़रूर लें, क्योंकि आपको फाइनली राइटिंग में ही आपको मार्क्स मिलने हैं, तो राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज, आपके अपने जो जिसे कहना है स्टेप्स वो आपके, तो अच्छा है कि अपनी एक कॉपी, एक फेयर नोटबुक आप बना लें कि एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको कहीं कोचिंग में किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपनी हैंड राइटिंग में ही आपके पास वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उसके स्टेप्स, मार्किंग, वो सारी आपके पास हो, तो अच्छा है उसको कर लें। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं और कहाँ कहाँ मेरी प्रॉब्लम है। तो जब आपका फाइनल एग्ज़ाम्स होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये पढ़ने बैठोगे तो ये बहुत जल्दी के टाइम में आप रिकॉल कर लोगे, सिर्फ आपको इस पर एफर्ट्स करना पड़ेगा।
आपको पता भी होगा कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती है, तो एक तो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप इस तरह से कर लें। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपसे ये भी सजेस्ट करूँगा कि बेटा जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट्स में आप दो चीज़ें आप ज़रूर कर लें। एक तो कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट ये सजेस्ट करते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम्स हो आप पहले उसको सॉल्व करें या उसको आप पढ़ें। मैं इसका उल्टा कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ जो आपको सबसे ईजी लगता हो, ठीक है, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता हो पहले आप उसको पढ़ें, ठीक है सर। जैसा मैं आपसे कहूँ कि हमारा 80 मार्क्स का, ठीक है, पेपर है, उसमें से 50 मार्क्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 50 मार्क्स में आप कर सकते हो, 30 मार्क्स में आपको प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, पूरे साल हम इसी पे फोकस करते हैं, 30 मार्क्स पे, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, डर लगता है, फोबिया है, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स ला सकते हैं, 15 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, हो सकता है 30 भी ला सकते हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन हम रेयरेस्ट ये रखते हैं कि 10 ला सकते हैं। आपने पूरे साल हर बार जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी आपने डाउट्स पूछा, जब भी आपने डिस्कस किया, वो यही चैप्टर्स आपने डिस्कस किए, मुझे ये पढ़ा दो, मुझे ये पढ़ा दो, मुझे ये पढ़ा दो, और ये जो आपको ईजी लगता था इसको आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा। होता है अक्सर कि हम जब भी बैठेंगे हम यही पढ़ेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे, इसी में हमें डर लगेगा, इसमें हमने नहीं किया। तो हुआ क्या सर जी, इसमें आपने नहीं किया, आपके मार्क्स आए 25, 50% मैं ले लेता हूँ, 30, 35, यहाँ से आपके पास आए 10, तो अगर मैं यहाँ से हाईएस्ट लूँ और यहाँ से लोवेस्ट लूँ तो आपका स्कोर आउट ऑफ 80 45 है। मैं कह रहा हूँ इसका उल्टा बेटे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसको सिक्योर करिए, किसको, 50 मार्क्स को। अगर आपके ये इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपको ये इजी लगता है, मज़ा भी आता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस, ये हर सब्जेक्ट की बात है, अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे तो आपका स्कोर होगा 45 और मे बी पॉसिबल 50, और मज़े मज़े में, क्योंकि जो आपको मुश्किल लगता था आपने उसको पढ़ा ही नहीं, आपने कभी उससे डरे ही नहीं कि छोड़ो यार हम इसे पढ़ते ही नहीं, तो आपका स्कोर कितना हो रहा है सर, 45-50, बगैर डरे मज़े मज़े में। अब सोचिए जब आपने इसको 100% कर लिया, मज़ा आ गया, अब आप इसमें से ट्राई करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे छोड़ना है, अब इसको ट्राई करिए, व्हेन ये मेरे पास सेव हो गया है, अब हो सकता है अगर आपके 5 भी आए तो ये प्लस होगा, अगर 10 आए तो और मज़ा आएगा, अगर 20 आए तो बहुत ही अच्छा है, 30 आ जाए तो फुल आ गए। तो पहले जो आपको सबसे अच्छा लगता है बेटे उसको फोकस करिए, उस पर कमांड करिए, फिर दूसरे पे जाइए, यही सब्जेक्ट्स में होगा और यही चैप्टर्स में होगा। जब हम एक चैप्टर एक सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हैं, दूसरा अपने आप उसके साथ अच्छा हो जाता है, जब हम एक चैप्टर अच्छा कर लेते हैं दूसरा चैप्टर उसके साथ अच्छा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर आप इसको फॉलो कर लें, उम्मीद करूँगा कि अगर आप इसको फॉलो करें तो उम्मीद है इंशाल्लाह 15-20% आपकी परसेंटेज इंशाल्लाह ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो तैयारी करें, मेहनत करें माशाल्लाह से, अपना पूरा 100% अपने प्रिपरेशंस में दें। सबसे बड़ी ताकत अगर दुनिया की आज की डेट है तो वो सिर्फ ये कलम ही है, कि अगर आपके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपके लिए आसान होगी। तो कोशिश करें, ऑल द वेरी बेस्ट कि आप मार्क्स में बहुत अच्छा करें, और फिर इंशाल्लाह मैसेज करें आप लोग मुझे कामयाबी के बाद कि मैंने अपना स्कूल टॉप किया है, मैंने अपना ज़िला टॉप किया है, मैंने बोर्ड टॉप किया है, और आप कर सकते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले कहा, यू आर द यूनिक, अल्लाह ने भी आप जैसा कोई नहीं बनाया, तो आपका किसी से कंपैरिजन नहीं है बेटा, आप तो खुद ही अपने आप में इकलौते हैं, पूरी दुनिया में यूनिक हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।